क्या है किंग जोंग का सीक्रेट हरम? हरम में रखी जाती हैं वर्जिन लड़कियां। उत्तर कोरिया की ये कैसी प्रथा? उत्तर कोरिया के तानाशाह किंग जोंग उन आजकल खबरों में बने हुए हैं। कभी उनके बीमार होने की खबर आती है तो कभी उनके ठीक होने की खबर आती है। इतना ही नहीं, उनकी मौत की भी अफवाह उड़ने लगी है। लेकिन किसी भी खबर की उत्तर कोरिया की तरफ से ऑफिशियल बयान नहीं आया है। बताया जाता है कि उत्तर कोरिया एक रहस्यमयी देश है जिसकी लोगों ने सिर्फ कहानियां सुनी है, क्योंकि उस देश की कोई भी बात बाहर नहीं आती। यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया के पास भी खास जानकारी नहीं होती है। ऐसे में अलग सा रहस्यमयी देश की अलग अलग कहानियां सामने आती है, जिसमें खबर है कि किम जोंग का एक सीक्रेट हरम है जहां स्कूली लड़कियों को कैद किया जाता है। जी हां, इंटेलिजेंस एजेंसियों का दावा है कि किम जोंग के पास एक खास हरम है जिसमें खूबसूरत वर्जिन लड़कियां उनका मन बहलाती हैं। 2000 लड़कियों से बना ये हरम प्लेयर स्क्वाड कहलाता है। तो आइए आपको बताते हैं क्या है किम जोंग उनका सीक्रेट हरम। सीक्रेट हरम वो रहस्यमय जगह है जहां टीनेजर लड़कियों को किम का मन बहलाने के लिए रखा जाता है। दरअसल ये प्रथा किम के दादा ने शुरू की थी। साल 2011 में किम के सत्ता में आने के बाद दुनिया ने ये माना कि विदेश में पढ़े लिखे किम का आना उत्तर कोरिया से रहस्यों का पर्दा हटाएगा, देश से गलत प्रथाएं खत्म होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किम ने अपने दादा की शुरू की गई सेक्स एंटरटेनर रखने की प्रथा खत्म नहीं की। प्लेयर स्क्वाड कहलाने वाले लड़कियों के ग्रुप को खास किम और उसके वफादारों के लिए रखा जाता है। इसमें प्यूबर्टी एज में पहुंच चुकी 13 साल तक की बच्चियों को भी जबरदस्ती रखा जाता है। इसके लिए किम जोंग उन के लोग लड़कियों के स्कूलों पर नजर रखते हैं। अगर कोई लड़की उन्हें स्क्वाड में शामिल होने लायक लगती है तो उसे पकड़ लिया जाता है। उस लड़की को ले जाकर सैनिक सवाल करते हैं कि क्या वो वर्जिन है। इसके बाद जबरदस्ती उठाई गई लड़की का मेडिकल परीक्षण होता है ताकि ये पता लग सके कि उसका कोई संबंध तो नहीं रहा है। सुनिश्चित हो जाने पर लड़की प्लेयर स्क्वाड में शामिल होने लायक मान ली जाती है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। बताया जाता है कि पहला प्लेयर स्क्वाड नॉर्थ कोरिया के संस्थापक किम इल संग ने किया था ताकि वे देश की समस्याओं के बीच अपना मनोरंजन कर सके। एजेंसियों के अनुसार साल 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। किम दित्ते अपने सैनिकों को देश की सबसे खूबसूरत और वर्जिन लड़कियों की तलाश में भेजता था। चुनाव के बाद उन्हें राजसी लोगों से मिलने के तौर तरीके सिखाए जाते, साथ ही नाचने और गाने की भी ट्रेनिंग दी जाती। इसमें से कई लड़कियों ने बाद में हरम के भीतर ही घरेलू नौकरानी की तरह काम शुरू कर दिया था। वहीं कुछ बेहद खूबसूरत लड़कियों को किम के वफादारों को कंफर्ट वुमन की तरह इनाम में दिया जाता था। वैसे किम जोंग इन की मौत के बाद साल 2011 में प्लेयर स्क्वाड को किम जोंग उन ने कुछ समय के लिए बंद करवा दिया था। तब उम्मीद जगी थी कि नया शासक कुछ बेहतर करेगा, लेकिन ये प्रथा अभी भी खत्म नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी।